कश्मीर घाटी के गुरेज में कई ऐसे इलाके हैं जहां कुछ सालों पहले तक 2400 घंटे बिजली तक नहीं मिलती थी, मगर अब उन इलाकों तक सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं। ये घाटी के लोगों की उम्मीदों की रोशनी है, वो रोशनी जो अब कहीं नहीं जाने वाली। आजादी के बाद पहली बार कश्मीर की गुरेज घाटी को बिजली की सौगात मिली है, यानी पहली बार गुरेज के लोगों को उनकी परमानेंट रोशनी मिली है। अब आप सोचेंगे कि परमानेंट रोशनी का मतलब क्या होगा। दरअसल अभी तक तेल जनरेटर के सहारे ही गुरेज के लोगों को बिजली मिल रही थी, मगर अब पहली बार इस सीमावर्ती इलाके को बिजली ग्रेड से जोड़ा गया है। इसके लिए पीडीडी विभाग ने 180 किलोमीटर वर्ग कंडक्टर बिछाया है। इसके लिए गुरेज में 1950 बिजली के खंभे लगाए गए। लगभग 4 किलोमीटर की अंडरग्राउंड केबलिंग की गई है। सरकार का कहना है कि परियोजना के पहले चरण में लगभग 1500 कस्टमर्स को इसका फायदा होगा। इसके बाद दूसरे गाँव को भी इस परियोजना से जोड़ा जाएगा, यानी आने वाले कुछ दिनों में गुरेज घाटी पर्यटन के साथ तमाम सुख सुविधाओं से भी लैस होने वाली है। उम्मीद की नई किरण मिलने के बाद आसपास के लोग सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इन लोगों के लिए बिजली ग्रेड का लगना किसी सपने के सच होने जैसा है, क्योंकि इससे पहले महज 6 से 7 घंटे के लिए ही बिजली आया करती थी, मगर अब इनके हालात बदलने वाले हैं। सर्दियों के महीनों में भारी बर्फबारी के कारण गुरेज घाटी बाकी दुनिया से कटी रहती है। साल भर सड़कें खुली रखने के लिए सरकार भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। गुरेज को भारत के सर्वश्रेष्ठ ऑफ बीट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। कश्मीर के पर्यटन का जब भी जिक्र होता है तब गुरेज का नाम जरूर आता है, मगर बेहद कठिन और सीमावर्ती इलाका होने की वजह से यहां बिजली सुचारू रूप से नहीं पहुंच पा रही थी, मगर अब धारा 370 हटने के बाद घाटी में जो विकास की गंगा बह रही है उसी का पानी गुरेज तक भी पहुंचा। अब उम्मीद की जा रही है कि बिजली पहुंचने से गुरेज घाटी के इन इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और ये बिजली का ग्रेड गुरेज को नई उड़ान देगा। जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल गुरेज घाटी के हर चेहरे पर आज मुस्कान है, क्योंकि आजादी के बाद 75 साल में पहली बार यहां बिजली लोगों को दी गई है और अब गुरेज घाटी 2400 घंटे बिजली से जगमगाएगी। निसंदेही आम लोग तो राहत की सांस लेंगे, साथ ही साथ पर्यटन को भी बेहद बढ़ावा मिलेगा। कैमरा पर्सन फाह मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर।